नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां नगर स्थित मिलन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आगे बात करेंगे मैनपुरी की, जहां युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। साथ ही आगे चर्चा होगी उत्तराखंड की, जहां मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप है जारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भोपाल एमपी नगर स्थित मिलन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी, पूरी बिल्डिंग को आग ने चपेट में ले लिया। बुझाने का प्रयास जारी, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद, तत्काल का मामला। वहीं लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, फायर डिपार्टमेंट की तैयारी खोखली नजर आ रही है। आग लगने के घंटे बाद तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, एग्जिट पोल पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एग्जिट पोल देखकर बहुत खुशी हुई, सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तविक खुशी 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद हो पाएगी। देश में चुनाव का दौर है, चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो चुके, वहीं अंतिम चरण का मतदान भी कल हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी की बातें रखी। 4 जून को गणना होने के बाद परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा कि कौन मैदान में बाजी मारता है। मध्यप्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर आभार भी मानता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, ये रुझान आए हैं, और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्यप्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा, मेरी अपनी ओर से। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, यहाँ कस्बा वेवर के मोहल्ला महाजनान पुराना बाजार में युवक ने फंदे पर लटक कर दी जान। किराए के मकान में माँ और भाई के साथ युवक रहता था, दिल्ली में रहकर रिलायंस कंपनी में करता था नौकरी। 2 दिन पहले ही आया था वेवर, सुबह से ही ऊपरी मंजिल में बने कमरे में बंद था युवक। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो युवक का शव लटका मिला। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, यहाँ सारंगपुर जावेद खां ऐसी घटना सामने आई है। डॉक्टर की लापरवाही से 8 दिनों से जाकर देख रहा हूँ कि डॉक्टर के रूम में और क्वार्टर की वीडियो बनाई। अस्पताल डॉक्टर के लापरवाह के कारण मरीज बहुत परेशान, मुसीबत का सामना उठा रहे हैं। शासन प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इस वक्त डॉक्टरों का ड्यूटी का टाइम है, डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं रहते। पिछले एक हफ्ते से मैं रोज सलंग आ रहा हूँ, मरीज रोज परेशान हो रहे हैं, बच्चे को लेके, बड़े को लेके, ये जितने भी डॉक्टरों के रूम हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब पे खाली पड़े फटक लगे हैं। ये देख लीजिएगा, ये देख लेगा, देख लीजिएगा, हर डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बच्चों के डॉक्टर, राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेदुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी का आलम उत्तराखंड के मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय डिग्रों में तापमान सामान्य से ऊपर। बुधवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी ने झुलसाए रखा। उत्तर राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 43 डिग्री आसपास रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को देहरादून का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक गढ़वाल में भी सीवियर हीट वेव कंडीशन देखने को मिली। उन्होंने बताया 30 मई यानी आज भी इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है, चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चल सकती हैं। टेम्परेचर में काफी वृद्धि रही है और उसकी वजह से जैसे कि हमारे प्लेन्स वाले एरियाज हैं या इवन हिल्स में भी, तो हीट से लेकर सीवियर हीट वेव कंडीशन को प्रिवेल की है। आज अगर बात करें तो इसमें टेम्परेचर में मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 डिग्री का इजाफा आज भी होगा, तो उसकी वजह से आप देखेंगे देहरादून की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यहां का तो रिकॉर्ड आज मुझे लगता है जो है वो क्रॉस कर जाएगा, पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा, एक नया रिकॉर्ड जो है आज वो बन सकता है। तो इस तरह की स्थिति है, तो टेम्परेचर में मैं ये कहूंगा कि आज और कल जो है बहुत राहत है नहीं, 1-2 डिग्री जैसे मैंने बोला कि और भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है आज और कल में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जो बनी हुई है हमारे मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर, तो वो तो रहने वाली है। हिल्स में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट बारिश मिल रही है और गढ़वाल में भी संभावना है कि शाम रात तक जो थोड़ी बहुत जो है लाइट एक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी थोड़ी बहुत एक्टिविटी, तो हिल्स में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तो मैं बोलूंगा कि आज और कल और भी जो है ये गर्मी इसी तरह की रहने वाली है, सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है वो मिलने वाली है। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी, सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी, तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट से, उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है, सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, और पुलिस हमने 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया है। उत्तराखंड से सीनियर संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।